आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस ठीक सामने खड़ा हूं। आप पीछे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता है, वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। और जहां तक हम इनसे बातचीत की, इनसे जानकारी हमें मिली है कि जो GST अनाज ज़रूरी चीज़ें हैं इसके ऊपर इनका विरोध है, इन्होंने निवेदन दिया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं कि इनकी और प्रमुख मांगनी क्या है और आपके मांगनी क्या है, सर इसके बारे में। ये जो केंद्र सरकार की ये जो नीति है जीवनावश्यक वस्तुओं पे GST लगाया, स्कूली साहित्य पे GST लगाया, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, इस हालात में आम इंसान का जीना बड़ा मुहाल हो चुका है। अब केंद्र सरकार को ये चाहिए कि इन सबको एक थोड़ी रियायत मिले, इसलिए जो टैक्स लगाया, ये जिस तरह का जिजिया कर था पहले उसी तरह का ये कर लगाया, तो ये कर इन्होंने हटा देना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर सरकार इस पर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई नहीं करेगी तो हम और बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को दोबारा से हम इसके बारे में सवाल पूछेंगे। इसीलिए यही थे कि अच्छे दिन, यही थी कि आपकी सरकार, आपकी बार महंगाई की सरकार हो गई है। अपने दोस्तों की जेब भरने के लिए जो महंगाई चल रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम आम आदमी की पार्टी की तरफ से ये मांग रखते हैं कि ये GST तुरंत खत्म किया जाए। मैं रघुनाथ दादा पाटिल, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी। और गरीब आदमी जो है बहुत परेशान है और उलट इन्होंने GST का जो मार्ग जो ढूंढा है, अन्य आवश्यक वस्तु के ऊपर भी इन्होंने गोर गरीब लोगों को खाने का भी अधिकार को जो तो छीनना चाह रहे। आज शाहगंज महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने से तो कलेक्टर ऑफिस में आज हमने यह निवेदन दिया है रघुनाथ दादा और माननीय कार्यकर्ता के अध्यक्षता में, आम आदमी पार्टी के जो है तो हमने जो है तो इसके दायरे में निवेदन दिया। निवेदन क्या है, आम आदमी की जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, दिन ब दिन महंगाई के गर्त में ये दबते जा रहे हैं और इसी सिलसिले में रघुनाथ दादा के जो है तो हमने दायर में यह निवेदन दिया है कि ये महंगाई कम हो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन उनके माँ बाप उनको स्कूल की किताबें ले नहीं पा रहे, पेन ले नहीं पा रहे और जो है तो उनको छतियाँ ले नहीं पा रहे। दाल आटा गेहूँ चावल दही दूध पर GST लगा दिया कि यही अच्छे और बेहतर दिन थे, कि यही दिन के लिए यह सरकार को आम जनता ने चुन के दिया था। इसी रोष को लेकर आज हमने रघुनाथ दादा के नेतृत्व में जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया है कि यह मांग, यह महंगाई कम हो और यह सरकार होश में आए। अगर सरकार होश में नहीं आई, दूध दही आटा तेल और दीगर जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों का अगर GST रद्द नहीं किया तो फिर से रघुनाथ दादा के नेतृत्व में हम आंदोलन तीव्र तरीके से करेंगे और हम रास्ते पर उतरेंगे।